बरेली से भाजपा के मेयर प्रत्याशी डॉक्टर उमेश गौतम के प्रचार के लिए आए बड़ी उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने आईएमए हॉल में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, उससे हर आम आदमी को सुख प्राप्त होगा। पिछली सरकारों ने प्रदेश को देश को खोखला किया है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी प्रदेश को तरक्की के रास्ते पर ले जा रहे हैं। एक बार फिर आप लोगों को डॉक्टर उमेश गौतम को मेयर पद पर जीत हासिल करवाकर बरेली को स्मार्ट सिटी बनाकर विकास का रास्ता चुनना है। विपक्ष पर हमला बोलते हुए ब्रजेश पाठक ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने डॉक्टर आईएस तोमर के साथ एक मजाक किया है। एक प्रत्याशी को सिंबल दिया है तो दूसरे को निर्दलीय ग्रुप में खड़ा कर दिया। आखिर वे क्या बरेली की जनता को दिखाना चाहते हैं? हमने मेयर उमेश गौतम के पिछले कार्यकाल को देखते हुए उन्हें दोबारा मेयर बनाने का जो निर्णय लिया है उससे बरेली का विकास होगा। वहां हर गली में हर मोहल्ले में रामलीला खेली जा रही थी, रघुराम की लीला का मंचन हो रहा था। सत्य अटल जी ने वहां के राष्ट्राध्यक्ष से पूछा कि भाई आप तो मुस्लिम हो, रामलीला है कैसे हो रही है? तो उन लोगों ने जवाब दिया, हमने धर्म परिवर्तित किया है, अपने पूर्वज नहीं बदले हैं, हमारे पूर्वज रघुराम है, हमारे संस्कार भारतीय संस्कार से मिलते जुलते हैं। और उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान में क्या हो रहा है हमसे छुपा नहीं है। हमारे संस्कारों को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, हमेशा असफल प्रयास किए जा रहे हैं। हमें लगता है जैसा कि तुलसीदास जी ने कई बार उद्धव किया है, मत गई मूल की बारी है। हर स्थिति में हम लोगों ने भारत की संस्कृति को बचाए रखा है। 5000 वर्ष पूर्व से लेकर अब तक हजारों बार हमारी संस्कृति पर हमले हुए हैं। बरेली में योगी और मोदी जी के निर्देश पर आदरणीय डॉक्टर उमेश गौतम जी, तो हम आपके पास इसी निवेदन को लेकर आए कि अब जो बदलाव हो रहा है वो बदलाव सही रूप में बरेली प्रदर्शित करे और हमारी पहचान अलग बने। और आज यहाँ इसी बात को लेकर हम सब लोग आए हैं कि डॉक्टर उमेश गौतम जिस प्रकार से काम कर चुके हैं, इस बात की जरूरत है मुझे एक बार फिर से मौका दिया। मित्रों, कोई बहुत अधिक कहने में आपके बीच में खड़ा नहीं हूँ। आपका प्यार और स्नेह भारतीय जनता पार्टी को लगातार मिलता है और इसको मैं और मजबूती प्रदान करने का काम आप करें, इसलिए हम आपके बीच में आए। तो मैं इस निवेदन के साथ केवल चंद दिन बीच में शेष, 11 तारीख को आप भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करिए, एक नई सोच के साथ बरेली को आगे बढ़ाने का काम करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।